आज मैं आपको सिखाऊंगा कमांड, बेसिक कमांड सिखाऊंगा। जो जो कमांड राइनो के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मैं आपको वही सिखाऊंगा। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कमांड अपनी तरफ से सीख सकते हैं, या मैं आपको वो बाद में सिखाऊंगा, कुछ ऐसा होगा। तो जो जरूरी कमांड है कि भाई कंपल्सरी है, जिनका जो सबसे ज्यादा यूजेज होता है डिजाइनिंग के अंदर, डिजाइन बनाने के अंदर, तो अपने वो पहले सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये तो कैंसिल एरो वाला जो सिंबल है, ये तो कैंसिल के लिए होता है। कोई भी कमांड को आपने लिया है, कैंसिल करना है, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे। और या आप अपना जो कीबोर्ड वाला होगा, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला एस्केप वाला बटन आता है, ESC, उसको दबाओगे तो भी कमांड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल वाले का। अब ये पॉइंट में जाएंगे, तो पॉइंट में हमेशा ध्यान रखा, पॉइंट कमांड अपना यूजेज है नहीं इसका, लेकिन तो भी आप यूज करना चाहो तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट हो गया, तो ये दो कमांड में इतना यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आज तक मैंने यूज नहीं किया इतना, कभी कभार रेयर केस में होता है। ठीक है, तो पॉइंट लेके रहना हो तो यहाँ से सिलेक्ट किया, क्लिक करोगे तो ऐसा पॉइंट आ जाएगा, सिंगल पॉइंट आएगा। सिलेक्ट करिया तो कमांड आ गया, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब लोकेशन कहाँ पर पॉइंट को अपने वहाँ पर रखना है, तो उसके लिए आप जहाँ पर रखना है उधर जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे कि नीचे यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर क्लिक किया आ जाएगा। ठीक है, वापस एंटर मारूंगा तो फिर से कमांड सेम आ जाएगा। अगर मैंने दूसरा कमांड लिया है तो सेम कमांड नहीं आएगा। ठीक है, अब आता है मल्टीपल पॉइंट्स वाला। मल्टीपल पॉइंट्स में क्या होता है, एक बार कमांड लिया तो कमांड चालू ही रहेगा। देखो अभी मैंने क्लिक कर दिया, अभी भी चालू कमांड। फिर आप एंटर मारोगे तो कमांड फिनिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां से फिर से लेना तो एंटर मारो, यानी कि स्पेस का बटन एंटर का काम करता है इसमें, तो वो दबा दोगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल नाम से ही पता चलता है, एक से ज्यादा लेने के लिए मल्टीपल पॉइंट का यूज होता है। ठीक है, तो ये दो कमांड आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो। बाकी इसका इतना यूजेज नहीं है तो मैं अभी इतना यूज नहीं करता हूँ, बाकी अपने आगे देखेंगे। लाइन कमांड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन कमांड आप यूज कर सकते हैं ज्यादातर। ये फर्स्ट वाला सिंगल लाइन होता है। सिंगल लाइन में क्या होता है, लाइन कमांड लिया, अब सिंगल लाइन चालू हो गया, कमांड यहाँ पर क्लिक करते ही चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंड यानी एक एक तरफ कहीं पर भी क्लिक करोगे, फिर नीचे करना है तो नीचे, साइड में करना तो साइड में, ऊपर करना तो ऊपर, और लेफ्ट राइट किधर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑर्थो है, ऑर्थो चालू रहेगा तो सीधा आएगा, अगर चालू नहीं है बंद कर दिया तो फिर आप कैसे भी क्रॉस में ले सकते हो। और दूसरा होता है ग्रिड स्नैप वाला। ग्रिड स्नैप में क्या होता है, ये पॉइंट पकड़ता है, देखो ये जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसके जो कोना होता है ना, वहां से वो ऑटोमेटिकली उसका जो वो कोना आता है ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। एक ग्रिड स्नैप स्टार्ट होगा तो ठीक है, यहाँ से मैंने बंद कर दिया तो अभी देखो अभी यहाँ से कोई कुछ नहीं पकड़ेगा। अभी और तो चालू रखेंगे तो सीधा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीधी लाइन लेनी है तो ये ऑर्थो चालू रखना, अगर ये ऑर्थो चालू नहीं है तो आपको सीधा लेना, तो आपको शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, फिर क्लिक कर देना तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब होता है पॉली लाइन। पॉली लाइन में क्या है, पॉली लाइन में जैसे कि आपने एक लाइन लिया, वापस कंटिन्यू, जैसे क्लिक किया वापस आगे चालू हो जाए, क्लिक किया आगे चालू हो जाए, क्लिक किया आगे चालू हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे एक फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो फिर वहां से लाइन स्टार्ट हो जाता है, सेकंड टाइम क्लिक करोगे तो वहां से लाइन फिर वापस आगे कंटिन्यू होगा, तो ये पॉली लाइन का यूज होता है। ठीक है, अभी आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाला में क्या होता है, मिड पॉइंट यानी नाम से पता चलेगा, जहाँ पर पॉइंट करोगे वहां से दोनों तरफ जितना लेफ्ट की तरफ जाएगा उतना राइट की तरफ जाएगा लाइन। ठीक है, इधर 2 mm गया, 2 एंटर मारोगे तो 2 mm आएगा, तो सामने भी 2 mm ही जाएगा। ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट लाइन का। तो लाइन कमांड में आप तीन कमांड दे सकते हो। उसके बाद में आता है सर्कल वाला। सर्कल में यहाँ पर छोटे से ये जो दिया हुआ ना ग्रे वाला ऐसा कलर का, ये त्रिकोण वाला, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा ऐसा फोल्डर खुलता है। ठीक है, अब इसमें देखना है, इसमें सर्कल आता है फर्स्ट, सर्कल में सेंटर पॉइंट आता है। सेंटर पॉइंट जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा सर्कल, उसके चारों तरफ से। अरे आपको यहाँ पर लेना है इधर से, तो यहाँ पर 0 एंटर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 0 एंटर मारना है तो आ जाएगा। फिर साइज डालना है तो साइज डाल दो, 5 mm, 5 लिखा एंटर तो 5 mm ही आएगा, ये देखो। ठीक है, तो हो गया सेंटर पॉइंट वाला।
जहां पर आप क्लिक करोगे जितना बड़ा करना है उतना साइज डाल सकते हो, या रफ लेना चाहो तो अपने हिसाब से खींच माउस से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डायमीटर, सर्कल डायमीटर वाला कमांड आता है। सर्कल डायमीटर वाला कमांड में क्या होता है, दो पॉइंट वाला है, दो जगह आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक किया तो स्टार्ट हो जाएगा सर्कल, दूसरी तरफ क्लिक करोगे तो वहां से एंड है, वो फिनिश हो जाएगा, सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कमांड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये दो लाइन है, अब ये वाला कमांड, इसके बीच में सर्कल लेना है तो ये वाला लेना पड़ेगा सर्कल डायमीटर। यहाँ से आप ये चालू रखने का, नीचे एंड है, नियर है, पॉइंट है, मिड है, सेंटर है, सेंटर इसका आएगा, इसका सेंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वाड वाला आएगा, और यहाँ पर ये एक क्वाड आएगा, फिर इसके इधर भी क्वाड आता है, ऐसा चार चार ऑप्शन में क्वाड आएंगे इसमें। नियर, नियर यानी कोई भी चीज के करीब जाते हैं उसको नियर बोलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर अपना नियर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा नियर, ये कोना है तो एंड आएगा, बीच में नियर नियर नियर, और मिड दो लाइन के बीचों बीच सेंटर आएगा उसको मिड बोलेंगे, तो वहां पर मिड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से मैंने ये पॉइंट लिया सर्कल वाला, तो मिड से मिड पकड़ लिया तो आ गया सर्कल दोनों के बीच में। ठीक है, ये टू पॉइंट सर्कल हो गया। थ्री पॉइंट सर्कल में अगर तीन लाइन है ऐसी, अभी यहाँ से यहाँ से यहाँ टच करना है सर्कल, इधर नहीं करना है, तो इसके लिए आपको थ्री पॉइंट सर्कल भी ले सकते हो ऐसा। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ये भी है कि भाई चलो ये तो थ्री पॉइंट सर्कल ये भी है, दूसरा यहाँ से ये वाला भी आता है। ठीक है, टेंजेंट सर्कल वाला, एक दो और तीन, इस तरह से ऐसे भी ले सकते हो। तो सर्कल कमांड में आपको ये दो सेंटर पॉइंट वाला होता है, और ये सेकंड वाला, और थर्ड वाला, और ये लास्ट, ये फोर्थ छठा नंबर वाला, ये तीन चार कमांड है आपको देखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। सर्कल कमांड जैसे कि आप देख लिया है, तो अभी ये ठीक है, एलिस्ट, एलिस्ट में देखेंगे जो ओवल शेप का होता है। ओवल शेप में क्या होता है, ओवल शेप में आपको लेने के लिए कमांड लेना है, जीरो एंटर करना है। अब साइज देखो, ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर आपने 2 mm लिखा, एंटर, फिर क्लिक करना है, फिर 2 mm लिखोगे तो गोल आ जाएगा, यानी कि ओवल शेप के लिए लंब गोल करना है, 3 mm लिखो, तीन एंटर हो गया, 2 by 3, दो सॉरी डबल हो जाता है। यहाँ से मैंने दो टाइप किया था, देखो दो, तो ये लाइन इधर दो तक, यहाँ से यहाँ तक दो आ गया, और तीन डालूंगा तो यहाँ से ऊपर तीन, यानी कि नीचे आएगा तो डबल हो जाएगा, अपोजिट साइड में जितना इधर आएगा जितना सामने की तरफ जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो 4 by 6 हो गया, दो टाइप किया था। ठीक है, अभी ये वाला सेकंड, इसमें भी 3 पॉइंट से ऐसा, 3 पॉइंट वाला, तो इसमें समझ लो ये फर्स्ट मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला पहला कमांड है। कोई भी ओवल शेप का स्टोन बनाना है तो आपको स्टोन बनाने के लिए यही कमांड लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डालना है, आप डालोगे बोले 4 by 6 का बनाना है, तो 4 by 6 का 4 डिवाइड बाय 2, फिर 6 डिवाइड बाय 2, ऐसा करके भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप उसका आधा करके पहले टाइप कर सकते हो। देखो 4 by 6 हो गया, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एंटर, 3, अभी 4 by 6 हो जाएगा ऐसा। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट में जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें जो जैसा वो गोल वाला लिया था वैसे इस तरह में ओवल शेप में हो जाएगा 3 पॉइंट सर्कल, देन 3 बार क्लिक करना रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये कोई शेप में लेने के लिए, बाकी स्टोन बनाने के लिए फर्स्ट वाला ही यूज करना है आपको। और ये बनाने के बाद में ये आता है आर्क वाला कमांड, आता है आर्क वाला कमांड होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आर्क देना हो तो हल्का सा, यहाँ से वक्त बंद कर दीजिए तो पता चलेगा ऐसे ऐसा, इस तरह से। तो आर्क कमांड तो आज तक मैंने यूज किया ही नहीं, पहले स्टार्टिंग में मैं करता था, उसके बाद में मैंने यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन है उस तरह से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा आर्क कमांड उससे हो जाता है कि आर्क कैसे देना है। हाँ, कभी कभी कहाँ पर जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं, बाकी रेयर केस में यूज होता है, इतना यूज नहीं होता है मेरा आर्क वाले सेक्शन में, कोई भी इतना यूज नहीं होता है। तो ये आपको भी इतना देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी जान लो, जो मेन कमांड है जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा वही देखना है,
स्टार्टिंग में, जब आप अच्छे से सीख जाओ तो फिर नया नया कमांड चेक करते रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना सब सीखोगे तो फिर बिना फालतू का दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो ये हो गया फर्स्ट 2 पॉइंट वाला, और फिर सेंटर पॉइंट वाला अपने को यूज होगा। सेंटर पॉइंट वाला कमांड लिया, 0 एंटर मारेंगे यहाँ पर, 2 4, 2 बाई 4, ठीक है, तो इसमें 2 बाई 4 ही आएगा, उसमें डबल आ जाता था क्योंकि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए देखो सेंटर के स्टार्ट होके दोनों तरफ जा रहा है, 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 का हो गया बॉक्स, ठीक है। तो इसमें अभी जैसा है वैसा आ गया बॉक्स, तो ये फर्स्ट, ये बस सेंटर रेक्टेंगल में सेंटर पॉइंट वाला यूज होता है, बाकी दूसरा नहीं होगा। इतना तो सब देखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना सब मगजमारी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा ये वाला रेडियस वाला पॉलीगन। पॉलीगन में भी यूज नहीं होता है, इसमें से आपको एक स्टार बनाना हो, कभी कभी स्टार बनाना हो तो उसके लिए आता है वैसे स्टार वाला कमांड। कमांड ले लेने का है, फिर 0 एंटर मारना है, जो सेंटर से लेना हो तो 0 एंटर मारना है, नहीं तो आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है, और तो चालू रखेंगे सीधा आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स 5 डालेंगे तो 5 जैसे हो जाएंगे ऐसा, फिर क्लिक करके फिर अंदर तरफ करोगे तो ऐसा आएगा, और बाहर की तरफ करोगे तो ऐसा स्टार हो जाएगा। जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से आपको ये अंदर की तरफ क्लिक करके ए स्टार हो गया, ठीक है। तो स्टार बनाने के लिए ये वाला कमांड नॉर्मल यूज करता है, तो स्टार भी इतना डिजाइनिंग में कहीं पर इतना आता नहीं है, कहीं कहीं पर आता है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। कमांड लिया, क्लिक किया, नंबर ऑफ आइटम डालना है 6 7, जितना भी हो उसके हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया पॉलीगन वाला। उसके बाद में आपको जाना है इसके अंदर कर्व टूल्स। कर्व टूल्स के अंदर 3 4 कमांड जो मेन रहेंगे तो वो आपको देखना रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह से कर्व है तो फिलेट कर्व आता है। फिलेट कर्व में क्या होता है, ये जो फिलेट कर्व है तो इसमें कमांड लिया, तो इसका जो कोना है यहाँ से हल्का सा राउंड करने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको फिलेट का कमांड लूंगा, फिर एंटर, ठीक फिलेट का मैं यहाँ से कोना गोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इससे अच्छा फिलेट कॉर्नर भी कर सकते हैं, इसमें फिलेट कॉर्नर भी आता है, ये रहा फिलेट कॉर्नर 0.2, जितना डालना साइज डाल के उतना कर सकते हो, 0.3 0.4, ठीक है। ये ज्वाइंट होना है, ज्वाइंट हो गया, उसके बाद में एक कमांड लिया, ये यहाँ से गोलाई हो जाएगा। तो फिलेट कॉर्नर यूज करना, फिलेट का थोड़ा अलग डिफिकल्ट जैसा लगता है, तो फिलेट कॉर्नर यूज कीजिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको करना रहेगा इसमें, जैसे कि यहाँ से मैं कर्व ड्राइंग करूँगा, सॉरी मैं आपको एक कर्व वाला सेक्शन बताना भूल गया यहाँ से। तो कर्व वाले में भी आपको 2 कमांड देखना रहेगा। फर्स्ट कर्व वाले में इस ये वाला कमांड, उसके अलावा तो फर्स्ट सेकंड वाला कमांड, कोई भी चीज़ को ड्राइंग करना है तो ऑर्थोबंद रखना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, कुछ भी शेप ड्राइंग करना है जैसे आराम से ड्राइंग कर दिए ऐसा, ठीक है। इस तरह से कुछ ड्राइंग कर दिया, फिर इसको कोई भी चीज़ आपको बनाना है तो इससे ही ड्राइंग होगा, हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ को ड्राइंग करना है तो इससे ही ड्राइंग होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहेगा। कर्व में सेकंड वाला कमांड रहेगा, ठीक है। तो बाकी ट्विंस कर्व वाला भी आता है, ट्विंस कर्व में क्या होता है, दो ऐसी सीधी लाइन होगी ना, उसके बीच वाला लाइन लेना हो तो ऐसा कमांड यूज करोगे तो दोनों के बीच में सेंटर में ऐसा लाइन आ जाएगी, यहाँ से ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसा गैप होगा,
ठीक है, अभी ये दोनों लाइन में भी आप कर सकते हो, तो इसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप के हिसाब से आएगा, लेकिन सीधे में सीधा ही आएगा। तो अपने को ध्यान रखना है ट्विंस का, अगर आपको यूज करना हो सेंटर में लाइन लेना हो तो इससे डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा इसमें ये वाला सेक्शन है, इसमें दिखा देता हूँ, इसमें इसमें भी ट्विंस का भी था, यहाँ पर दिखा लिया दिया हुआ है। फिर आप भी कर्व टूल्स में, कर्व टूल्स में आपको जैसे कि ये वाला फिलेट कॉर्नर वाला हो गया है, इसके अलावा ऑफसेट वाला। ऑफसेट का में क्या होता है, कोई भी सेम जैसे कि कर्व है इसको, जैसे सेम सेम मेरे को 2 mm दूर, यानी सेम कर्व मेरे को थोड़ा दूर पे चाहिए, यानी कि 2 mm की दूरी पे चाहिए, तो ऐसा कमांड लिया, सिलेक्ट किया, एंटर मारेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर 2 एंटर सीधा चला जाएगा उधर। ठीक है, तो ये वाला क्लिक करना रहेगा, एंटर मत करना, क्लिक करोगे तो आ जाएगा, एंटर से वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में ऑफसेट वाला आ गया, एक्सटेंड कर्व। अगर ये कर्व है इसको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा आगे से मेरे को हल्का सा बड़ा करना, तो एक्सटेंड कर्व कमांड आएगा, क्लिक करोगे तो थोड़ा ऐसा बड़ा करके फिर आ जाएगा, तो बड़ा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर रिबिल्ड कर्व वाला आता है। रिबिल्ड कर्व में क्या आता है, ये कर्व कमांड के बाद में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड रिबिल्ड, रिबिल्ड कर्व। रिबिल्ड कर्व से कोई भी कर्व को स्मूथ करना है, जैसे कि इसको कर्व कमांड, ये कमांड लिया, सिलेक्ट किया, एंटर मारेंगे तो ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर कम ज्यादा पॉइंट करना है, डिग्री हमेशा 3 ही रखना, ऊपर आप पॉइंट काउंट में कम ज्यादा कर सकते हो, डिग्री हमेशा आपको 3 ही रखना है, उतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर प्रीव्यू में ये देखो, ये चेंज हो रहा है, यहाँ से देखो ये वाला येलो अपना जो मेन ओरिजिनल है, ठीक है, वो येलो वाला मेन है अपना, ब्लैक वाला जा रहा है दूर, वो ब्लैक वाला अभी जो रिबिल्ड करने के बाद में उधर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से रिबिल्ड करना रहेगा। ठीक है, ऐसे स्मूथनेस करने, इसका काम होता है कर्व को स्मूथ बनाने के लिए। आपका ड्राइंग थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक नहीं है, तो इससे स्मूथ होके थोड़ा सीधा हो जाएगा, तो उसके लिए काम होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक कर्व बुलियन वाला भी कमांड होता है, वो भी यूज होता है। कर्व बुलियन में क्या होता है, जैसे कि ये वाला सब जगह से ज्वाइंट है, देखो यहाँ से सब जगह से ज्वाइंट होना चाहिए, तो ये अब इसका सिंगल बॉर्डर चाहिए मेरे को, बाहर का ऐसा ऐसा सिंगल बॉर्डर चाहिए, तो इसके लिए कर्व बुलियन कमांड यूज होगा। तो सेलेक्ट करेंगे, तो कमांड लिया, सेलेक्ट किया, एंटर मारेंगे तो ऐसा आ जाएगा, बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो ऐसा फ्रेम बन के आ जाएगा, देखो बाहर वाला ऐसा फ्रेम बन गया आ गया। अभी एंटर मारोगे तो आ गया, ये जो येल्लो वाला आ गया देखो, ठीक है, ये आ गया। तो एक कर्व बुलियन का कमांड इस तरह से यूज होता है। ठीक है, इस तरह से आप, और जैसे जैसे मैं आपको आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखाता जाऊंगा क्या करना है। मल्टीप्लाई ऑफसेट भी होता है, यहाँ पर टाइप टाइप किया था कितना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 8 9 10 और 11, मैंने 10 लिखा था आइटम, तो 10 आ गया उसके अंदर से। देखो मल्टीप्लाई ऑफसेट कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर मारेंगे, आपको डिस्टेंस लिखना है 1 mm, तो 1 mm है। ऑफसेट काउंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 6 लिखा, तो कितना लिखा 6, देखो 6 आ गया। तो इस तरह से 6 का एक्स्ट्रा और आ गया, तो सेम सबके बीच में डिस्टेंस है 1 mm का ही है, तो उसके हिसाब से ही आ रहा है। तो वो भी आप मल्टीपल ऑफसेट में भी, आप ऑफसेट मल्टीपल में भी ऐसे देख सकते हैं एक का। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत मैं ऊपर से यहाँ से दिखाता हूँ हाइड, ये चीज़ है। तो आपको समझो आपने कुछ भी ड्राइंग किया, आपको थोड़ा बहुत वो बीच में आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है वो ड्राइंग करने के बाद में, तो आप लेयर में इस हाइड ऑप्शन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डाल सकते हो, सिलेक्ट करके बल्ब के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो अंदर चला जाएगा। वापिस बाल निकालना है तो देखो यहाँ पर हाइड के लिए कौन सा की है और शो के लिए कौन सा कि यहाँ पर आप देखोगे माउस वाला राइट लेफ्ट। ठीक है, तो उसके लिए आप वो
देख सकते हो, ठीक है। राइट और लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट साइड का की दबाओगे तो क्या होगा, और राइट वाला दबाओगे तो क्या होगा, और उससे आपको पता चल जाएगा। शो करने के लिए हो गया ये, बैक की से दबाओगे तो बाहर आ जाएगा। और ये दो सेलेक्ट, जो नॉर्मल अपने क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड का की दबाया तो अंदर चला जाएगा, और राइट साइड का दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से लॉक में लेफ्ट साइड का दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा, अभी सेलेक्ट नहीं होगा, और राइट साइड का दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, वापस खुल जाएगा लॉक से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखना रहेगा। आज अपने इतना ही सिखाएंगे, इससे आगे वाला से आगे कल देखेंगे क्या क्या आपको दिखाना है। मैं आपको इस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।